please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया, तो लाल कृष्ण आडवाणी समेत बाकी नेताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, इस बैठक का मकसद क्या? देखिए, अभी भी बैठक चल रही है। आमतौर पर संसद में हर हफ्ते बैठक होती है और हर मंगलवार को बैठक होती है 9:30 बजे, लेकिन इस बार इस सत्र में अभी तक बैठक नहीं हो पाई थी क्योंकि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री विदेश चले गए थे और इस बीच में जो एक बड़ा डेवलपमेंट था, संसद का मानसून सत्र जब शुरू हुआ था तो 2 दिन बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आया था जिसमें सरकार ने अपनी ताकत दिखाते हुए जो एनडीए की कुल संख्या उससे ज्यादा मत हासिल किए थे, उसके बाद से ये पहली संसदीय दल की बैठक है जो अभी भी चल रही है। और बैठक जब शुरू हुई थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अविश्वास प्रस्ताव में भारी जीत पर स्वागत किया गया। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष ने मिठाई खिलाई और उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनका माल्यार्पण, उनको माला पहनाई और उनका स्वागत किया। और जो बड़ी जीत मिली क्योंकि एनडीए के जितने साथी दल थे उनसे ज्यादा संख्या में जीत मिली है, इसलिए भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री का एक तरह से आभार किया और ये कहा, ये बताया कि कितने लोग उनके साथ और जुड़े हैं। और इस बैठक में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के तमाम जो विपक्षी नेता, जो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, उनसे किस तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखनी है, इन सब चीजों पर अभी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, नजर बना रखिए आप।